अगली खबर है महाराष्ट्र के नागपुर जिले की, जहां नगर निकाय का वाहन नियमित रूप से कचरा उठाने के लिए कई इलाकों में नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके चलते आए दिन आम नागरिकों की ओर से नागपुर महानगर पालिका में लगातार शिकायतें की जा रही थी। और इसी के चलते नागपुर महानगर पालिका ने एक अनोखा प्रयास शुरू किया है, एक नई पहल कहा जा सकता है, जिसके बाद नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने दावा किया है कि अब कचरे को लेकर आम नागरिकों को शिकायत नहीं होगी, क्योंकि अब नागपुर में QR कोड के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि कहां का कचरा उठा है और कहां का नहीं। इसके जरिए कचरा संकलन की व्यवस्था अब और अधिक व्यापक और पारदर्शी बन जाएगी। इसके लिए स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और नागपुर महानगर पालिका की ओर से शहर में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है। इसके तहत नागरिकों के घर पर QR कोड के स्टिकर लगाए जाएंगे। मनपा से की जाने वाली शिकायतों से निपटने के लिए ये अनोखा प्रयोग शुरू किया है नागपुर महानगर पालिका ने। इस प्रयोग के चलते अब रविनगर, अमरावती रोड समेत कई मकानों के बाहर ये QR कोड लगाए गए हैं। कचरा संकलन करने वाला कर्मचारी इस कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करेगा और वजन करके कचरा उठाएगा। महाराष्ट्र में ये पहली बार नागपुर शहर में QR कोड सिस्टम लागू किया गया है। इससे ये उम्मीद की जा रही है कि लोगों के घर से तय समय पर कचरा उठाया जा सके। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा घर घर जाकर के कचरा उठाने की जो व्यवस्था है, इस विषय को लेकर के अनेक बार सभागृह में और बहुत बार नागरिकों की भी व्यक्तिगत शिकायतें आती रही हैं। इस विषयों को कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज करने की दृष्टि से नागपुर महानगर पालिका किसी सॉल्यूशन की तलाश कर रही थी। इसी बीच में मिस्टर विशाल कोठारी नाम के एक सज्जन महानगर पालिका में महापौर कक्ष में आए। उन्होंने बताया कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिससे इस पर होने वाली सारी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। महानगर पालिका के सभी अधिकारी वर्ग के साथ तत्कालीन निपानी जी, उसके इंचार्ज थे निपानी जी, भगत जी, दासरवर जी, पूरी टीम के साथ में एक बार उनका प्रेजेंटेशन देखा गया। प्रेजेंटेशन देखने के बाद में स्मार्ट सिटी में भी उस प्रेजेंटेशन को रखा गया और ऐसा निर्णय लिया गया कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम प्रायोगिक तौर पर पहले 10 घरों में एक QR कोड लगा करके इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और यह सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं इसकी जाँच करेंगे। इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस रविनगर के 10 घरों का चयन किया। ये घरों का चयन भी जो कंपनी है काम कर रही है उन्होंने नहीं किया, नागपुर महानगर पालिका के स्वास्थ्य के अधिकारियों ने किया। यहाँ QR कोड का एक स्टिकर लगाया गया और उसको स्कैनिंग करके पिछले 10 दिनों से कचरा उठाने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। इसमें विशेषता यह है कि कचरा उठाने वाला जब घर के सामने आएगा तो QR कोड का स्कैन करेगा, तो उसके स्कैन करते बरोबर वो संबंधित घर का नंबर, उस घर के जो प्रमुख व्यक्ति है उसका नाम, यह सिस्टम पर पहुंच जाएगा और समय इंगित हो जाएगा कि इतने बजे यह व्यक्ति यहां से कचरा उठाने के लिए पहुंचा। एक शिकायत और थी कि जो कचरा गाड़ी वाले हैं वो गाड़ी से नीचे उतर के कचरा नहीं लेते, तो इस QR कोड के स्कैन करने के कारण जब वो नीचे घर तक जाएगा स्कैनिंग के लिए तो उसको वहाँ से कचरा लेकर के आने में भी सुविधा होगी। तीसरा उसके साथ संलग्न विषय यह है कि इस कचरे को वहीं के वहीं वो वजन कर सकें और वजन करके उस वजन को भी कितना कचरा उसने उठाया यह भी सिस्टम पर अपलोड हो जाएगा। इस दृष्टि से घर, घर मालिक का नाम, उस घर से निकलने वाला कचरा, इस प्रकार से इसका नियोजन अच्छे तरीके से हो सकेगा और महानगर पालिका को तत्क्षण इसकी जानकारी मिल जाएगी। इस प्रकार का ये नियोजन महानगर पालिका